दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं सर रतन टाटा जी सर के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि वो अब दुनिया में नहीं रहे और ये चीज़ हमको कल के टेक न्यूज़ में बताना चाहिए था, लेकिन वीडियो हम पहले शूट कर लिए थे तो इस वजह से वो मिस हो गया। लेकिन आज हम बता देते हैं कि मैं सबसे पहले एक बात बोलूँगा कि इनसे दिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं खुद टाटा जमशेदपुर में रहता था। अभी सऊदी में हूँ लेकिन टाटा जमशेदपुर में रहता था, और इन्हीं का सिटी है वो और इनके नाम से है, मतलब इनके जो दादा है रतन जमशेद जी नौशेरवा जी टाटा, उनके नाम से वो सिटी है। और पहली बार जब वो आए थे तो यहाँ पर प्लांट लगाया गया था, और हमारे सिटी को यही संभालते हैं, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब है लेना देना लेकिन पूरा का पूरा जो है टाटा कंपनी ही संभालता है। तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि मैं टाटा कंपनी से और रतन टाटा जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन दुख की बात भी ये है कि एक बहुत अच्छे शख्स आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इनका जो भी सिद्धांत था, जैसे 60% 70% लोग तो कहते हैं कि दान कर देते हैं, लेकिन दान करना भी बहुत बड़ी बात है, तो इनके नक्शे कदम पर हमें भी चलना है और हमें भी दान करना है। जो भी हम कमाते हैं या फिर जो भी हमारे पास पैसा रहता है उसका आधा हिस्सा, कुछ भी हिस्सा हमें दान करना चाहिए, तो इस तरह का कुछ है। तो टेक न्यूज़ का शुरुआत हम यहीं से करते हैं। एक पोल पूछा था कि रतन टाटा जी सर को आप जानते हैं, तो 86% लोगों ने कहा हाँ जानते हैं, बाकी के 14% लोग ने कहा नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते आप गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए और हमसे पूछिए। तो एक डिटेल वीडियो हम इस पर इन पर ज़रूर बनाएंगे, और हमारे तरफ से बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि ये तो चले गए हैं लेकिन हमें इनके नक्शों कदम पर चलकर दुनिया को और भी आगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मेटा की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को में मेटा का एआई फीचर्स जो है और भी, मतलब दूसरे कंट्री में मिल चुका है, 5 न्यू कंट्री में इस तरह की कुछ अपडेट है। अगली अपडेट आ रही है जियो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि जियो जो है सैटेलाइट नेटवर्क बहुत ही जल्दी लाने वाला है, साथ ही साथ रेसिडेंट इविल 2। ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन, आईपैड और आईमैक में लॉन्च होने वाला है दिसंबर के मंथ में, इस तरह की कुछ अपडेट है, तो आप रेसिडेंट इविल खेल सकेंगे। वैसे ही रेसिडेंट इविल 4 कौन कौन खेला इस पर पोल रखते हैं, पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। अगली अपडेट आ रही है BSNL की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि BSNL सबको बीट कर रहा है रिचार्ज के मामले में, और सबसे ज़्यादा रिचार्ज BSNL का हो रहा है आज के टाइम में, इस तरह की कुछ एक रिपोर्ट निकल के आई है। अगली अपडेट आ रही है सोनी की तरफ से। सोनी का पल्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें से ऐसा बताया जा रहा है कि 2 TWS है। TWS का जो प्राइस है लगभग 13,000 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से, और 18,990 रुपये होता है इनका बड़ा वाला हेडफोन जो आप गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वक्त होता आपके सवाल लेने का। तो मरानी का सवाल है Realme 13 Pro Plus को कैसे 120 हर्ट्ज़ पे करें। एक हमारा APK है और एक वीडियो भी है Realme 12 Pro Plus पे, जैसे हमने 120 हर्ट्ज़ पे किया, क्योंकि आप सेटिंग में, आप इसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर जाने के बाद मेरा प्रोफाइल है उसको खोलिए, फाइल में जाइए, वहाँ पर OP विजिट्स करिए या फिर OP सेटिंग करिए, OnePlus का सेटिंग खोलेगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपका 120 हर्ट्ज़ पे हो जाएगा। अगली अपडेट आ रही है Redmi Note 14 ग्लोबल के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ़ोन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा SIRM सर्टिफिकेशन में और SDPPI सर्टिफिकेशन में, ये लिस्ट हो गया। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi Pad 7 Ultra 8 जनरेशन 3 के साथ, ये जो पैड है देखने को मिलेगा, OLED पैनल के साथ आएगा, जब आएगा तो सारी डिटेल देंगे। वहीं Xiaomi का जो 20 से ट्विस्ट होने वाला फ़ोन है वो बहुत जल्दी लॉन्च होगा, कंपनी का ऐसा कहना है कि वो वर्क कर रहा है इस चीज़ में, क्या लगता है कितने टाइम तक ये आएगा कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Realme का एक टेक लाइफ से, H1 करके उनका एक बड़ा वाला वायरलेस हेडफोन लॉन्च होने वाला है 15 अक्टूबर को, आप देखिए इसकी प्राइसिंग क्या होगी, लेना चाहेंगे आप ये बड़ा वाला हेडफोन, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Samsung Galaxy A16 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि हीलियो का G99 प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले 1.6.78 इंच का, 50+5+2 का रियर कैमरा, 13 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग, और इसकी प्राइस लगभग 14,000 रुपये यूरोप में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में आएगा तो आप लेंगे सैमसंग गैलेक्सी A16 कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है वीवो का X200। ऐसा बताया जा रहा है कि LPDDR5X वाला अल्ट्रा वाला इसमें रैम देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसका कोई अनबॉक्सिंग कर दिया है, कोई गीक बेंच पर लिस्ट भी हो गया है, आप देख सकते हैं।
वही बात करते हैं Vivo का Y300 Plus, इंडिया के BIS में लिस्ट हो गया और Google Play Console में लिस्ट हो गया है। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है OnePlus का 13। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका बैक डिज़ाइन कुछ अलग आने वाला है और साथ ही साथ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट इसमें देखने को मिलेगा। इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है मोटो की तरफ से। मोटो का एक नया फोल्डेबल फ़ोन आने वाला है बहुत ही जल्दी। आप देखिए ये कब तक आएगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है हॉनर 60X60 के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि 6600 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्दी ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है चाइना में। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में ये कब तक आएगा उसके बारे में अभी मिस्ट्री है। अगली अपडेट आ रही है पोट्रॉनिक्स की तरफ से। एक उनका जो क्या बोलते हैं फिल्मों हम किस में देखते हैं, प्रोजेक्टर, जी हाँ, तो उनका एक प्रोजेक्टर लॉन्च हो गया है 31,499 रुपये, 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है, 35 लुमिनस का इसमें ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो इस तरह का कुछ है, देखने में कूल लग रहा है, लेकिन 31-32 हज़ार लेना चाहेंगे आप अगर घर में बोलेंगे तो क्या होगा 31-32 हज़ार में, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट में पूछा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।